So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. तो आज हम एक बहुत ही खास बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रयास बैच. ये बैच जो है आपके नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल होने वाला है एंड वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 350 मार्क्स इन बायोलॉजी. और इतना आप लोग आसानी से टैकल कर लोगे अगर आप साथ चलते रहते हो. मैं जो रोज़ पढ़ाता हूँ अगर आप उसे रोज़ पढ़ते जाते हो डेली बेसिस पे, अगर आप नोट्स बना लेते हो, अगर आप उसे रिवाइज़ कर लेते हो, मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ अगर आप उस वे में करते जाएंगे तो 350 नंबर लाना आप लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं रहेगी. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस बैच को रेगुलरली फॉलो करें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुलाइज और एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट भी करें. सो आज मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन देने वाला हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं और हम हमारा पहला जो चैप्टर है इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं. सो इट इज़ रियली गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो क्योंकि मैंने सारे के सारे नोट्स जो है वो हैंड रिटन फॉर्मेट में बनाए हैं, यानी कि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इस लेक्चर को तैयार करने के लिए क्योंकि मैंने हाथों से सारी चीज लिखी है. ये सिर्फ मैं इसीलिए कर रहा हूं जिसके आपके अंदर वो जोश आए कि हाँ यार अगर सर लिख सकते हैं पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा एंट्रेंस एग्जाम है तो हम तो लिख ही सकते हैं. सो दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन टू मेक योर ओन नोट्स. और आई होप आपने कॉपी वगैरह सब कुछ खरीद लिया होगा जो कि मैंने आपको पहले कहा था इन द इंक्यूबेशन सेशन. तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर चीज को आज से ही नोट डाउन करना स्टार्ट कर दे. सो लेट्स बिगिन राइट. अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं. ओजोन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा. और आपने अगर अभी तक हमारे बैकअप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अप ऑन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. सो बैच का नाम है प्रयास और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना बेस्ट दें, हम लोग अपना 100% दें जिससे हमें कोई भी मलाल ना हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट अ वेरी गुड पेस एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू एंड विद अ हैप्पी फेस कि हाँ यार हम लोगों ने मचा दिया है राइट. चलिए सो चैप्टर कंटेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या होता है. आपको एक हेडिंग पढ़नी पड़ेगी व्हाट इज लिविंग जो कि आपका आर्टिकल नंबर 1.1 है. फिर एनसीईआरटी आर्टिकल नंबर 1.2 है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जहां पर आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की भी बात करते हैं. देन आपका आर्टिकल नंबर 1.3 दैट इज योर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड आर्टिकल नंबर 1.4 दैट इज योर टेक्सोनॉमिकल एड. तो ये जो है आपके इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है लेकिन आप जो है इन्हें सिंगल वीडियो के अंदर कर सकते हैं. तो हमारा मेन मोटो क्या है कि हम 4 वीडियोस के अंदर या फिर मेजरली 5 वीडियोस के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दें. सो हम बड़ी 4-5 वीडियोस बनाएंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. और आपकी जो एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो आपको एनसीईआरटी से अलग चाहिए रहेगा उस पर मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा. अदरवाइज जो आपके टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट रहेगा एनसीईआरटी से बाहर का भी वो भी हम लोग जो है सेम लेक्चर में करते हुए चलेंगे. तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी नोट्स बनाने में, आप लेक्चर देख के साथ जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं. सो एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज गिवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्नेस्ट मेयर. यानी आपकी हर यूनिट में एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है और उस साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन से पहले आपका कुछ वाइटल बातें बता रखी हैं हर यूनिट के बारे में. तो उस तक को हम स्किप नहीं करेंगे, हम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड टू वर्ड जो है क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे. तो उस आर्टिकल में क्या बातें लिखी हुई हैं यूनिट 1 के अंदर, उस आर्टिकल में बातें ये लिखी हुई हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस. यानी बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी वर्ड को अगर आप बायफर्केट करेंगे इनटू 2 कंपोनेंट्स तो आपको पता लगेगा कि बायो का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. यानी ये साइंस की वो स्ट्रीम है जहां पर आप स्टडी करते हैं लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले लिविंग प्रोसेसेस को. सो इट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी ओके. और बायोलॉजी को आप लोग ये भी कह सकते हैं दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई. यानी ओवरऑल आपका जो मेन पर्पस है वो है लाइफ के बारे में जानना. तो जो पुराने आपके ऑर्गेनिजम्स रहते थे उनको भी डिवाइड किया जाता था इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी. तो जो पुराने जमाने में आदमी थे उन लोगों ने भी चीज़ों को अबायोटिक और बायोटिक में बायफर्केट करने की कोशिश की. इन्होंने भी पता लगाने की कोशिश की कि कौन से आपके नॉन लिविंग चीज़ें हैं और कौन सी आपकी लिविंग चीज़ें हैं. तो इन्होंने क्या किया, 2 कैटेगरीज बनाई. पहली आपकी एनिमेट मतलब आपका एनिमल जिसमें आता है. तो एनिमेट का मतलब क्या हो गया, आपका लिविंग हो गया जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते थे अकॉर्डिंग टू द अर्लीस्ट मैन. और कुछ चीजें थी इनएनिमेट जो कि आपकी नॉन लिविंग थी जिसमें इन्होंने क्लासिफाई किया था आपके विंड को, सी को और फायर को क्योंकि हमें पता है इनमें कोई लाइफ नहीं होती, ये आपकी लाइफ परस्यू नहीं करते. सो एनिमेट और इनएनिमेट का क्लासिफिकेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था. हमेशा जो है इंसान को अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में जानने का शौक रहा है और चीज़ों को समझने का एक क्यूरियस नेचर रहा है जिस बेसिस पर इन्होंने क्या किया, एनिमेट और इनएनिमेट में डिवाइड कर दिया आपके जितने भी आपकी थिंग्स थी उनको. सो एनिमेट जो है आपके यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे, यानी इनके काफ़ी सारे टाइप्स थे जो कि आपके अर्ली मैन को देखने को मिलते थे, जो कि आपको आज भी देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, अपने जैसे काफ़ी सारे इंसान, काफ़ी सारी घासें, काफ़ी सारे पौधे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको देखकर आप एस्टॉनिश हो जाएंगे कि हाँ यार डाइवर्सिटी बहुत सारी है। आप अगर अपने घर के अंदर भी देखेंगे तो भी आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको काफ़ी सारे इंसेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जिनके लिए आप इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करते हो। आपको किचन में कॉकरोच देखने को मिल जाएगा, आपको एंट देखने को मिल जाएगी, आपको किसी लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर टर्माइट देखने को मिल जाएगी, आपको जो अपना हैंडल है किसी भी गेट का उस पर आपको बैक्टीरियम देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी आपकी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो कि आपके पूरे लिविंग वर्ल्ड को तैयार करती है। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये शेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज। अगर मैं ये बोलूं कि ये आपके फर्स्ट चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि चैप्टर का एक हिस्सा भी नहीं है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटी होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि भाई बहन आपस में जो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी हुई। यानी समझ लो ये आपका एक पेरेंट सेल है, ये आपका समझ लो एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल है और इस पेरेंट बैक्टीरियल सेल ने अपना सेल डिवीजन शो किया और सेल डिवीजन के बाद इसने 2 डॉटर सेल्स बना लिए। तो इस पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है, इस पेरेंट का जो डीएनए है वो आपका रेप्लिकेट होकर यानी उसकी कॉपी होकर जो है आपके डॉटर सेल्स के अंदर गया है। तो जाहिर सी बात है डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में सिमिलैरिटी होगी तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप वर्टिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं क्योंकि ये सिमिलैरिटी आपके वर्टिकल लेवल पर है। ये सिमिलैरिटी आपकी 2 जनरेशन के बीच की सिमिलैरिटी है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कि अगर आप इन 2 सेल्स की बात करें, अगर आप इन दोनों डॉटर सेल्स की बात करें तो इनमें भी तो आपका जेनेटिक मटेरियल सेम पेरेंट से आया है तो इनके अंदर की जो सिमिलैरिटी होगी वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। तो ये बात जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है बिकॉज इसका आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। सो ये आपका वो आर्टिकल है जो कि गिवन था अर्नेस्ट मेयर की डिस्क्रिप्शन से पहले। उसके बाद आपके बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर का जिक्र आता है। तो इनका जो जन्म था 1904 में हुआ और सन 2004 में इनका देहांत हो गया, यानी इनका जो लाइफ स्पैन था वो आपका 100 साल के आसपास था। तो 100 साल का तिगड़म इनकी लाइफ में बहुत खास रहा है क्योंकि 100 साल तक ये जिए और पूरी दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम भी शुमार था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपाधि थी जो किसी भी साइंटिस्ट को मिल सकती थी। सो ही वॉज अमंग द टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से अगर टॉप 100 साइंटिस्ट की आप लिस्ट बनाएंगे आप अर्नेस्ट मेयर साहब को इग्नोर नहीं कर सकते। He was also called as Darwin of 20th century क्योंकि इनका evolutionary biology में and systematics में बहुत important role था। तो किसी भी scientist को डार्विन साहब से compare किया जाना is the best treat for him। So इसी तरीके से आपके अर्नेस्ट मेयर साहब को भी बहुत खुशी हुई जब उनको डार्विन ऑफ 20th century बोला गया। He gave the biological concept of species। Biological concept of species इन्होंने दिया। ये कौन सा कंसेप्ट है ये समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा और ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ जिससे आगे के लिए हमारा कोई बैकलॉग ना बचे। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब एक स्पीसीज के मेंबर ही आपस में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। जैसे जो कुत्ता है वो कुत्ते के साथ ही ब्रीड कर सकता है, जो बिल्ली है, जो कैट है वो कैट के साथ ही ब्रीड कर सकती है, ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ ही ब्रीड कर सकता है। अगर इस लॉ का किसी ने वायलेशन करने की कोशिश की, अगर इस लॉ को किसी ने डिसोबे करने की कोशिश की तो आपकी जो प्रोजेनी अगर बनेगी, अगर वो बन भी गई तो क्या होगा, वो आपकी स्टेराइल प्रोजेनी बनेगी। यानी अगर आपकी 2 स्पीसीज के बीच में मेटिंग हो गई और उनका बच्चा पैदा भी होता है तो वो जो बच्चा है आपका स्टेराइल रहेगा, वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका सबसे जो स्टैंडर्ड एग्जांपल देखने को मिलता है उसे आप कहते हैं जैक एंड मेयर रिलेशनशिप। जैक एंड मेयर रिलेशनशिप यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका मेल गधा होता है और फीमेल आपकी क्या होती है, हॉर्स। ओके, तो मेल गधा और फीमेल हॉर्स में जब आपकी मेटिंग होती है तो क्या बनता है, तो आपका म्यूल बनता है। और ये जो म्यूल है Since it is formed by the combination of members of 2 different species, तो ये आपका स्टेराइल हो जाता है, ये कभी फर्टाइल नहीं होता। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में अर्नेस्ट मेयर साहब ने क्या कहा कि एक स्पीसीज के मेंबर वो होते हैं जो आपस में ब्रीड कर पाए और उनकी जो प्रोजेनी है वो फर्टाइल हो। अगर प्रोजेनी फर्टाइल, इसका मतलब मेल और फीमेल आपके सेम ब्रीड के थे, सेम स्पीसीज के थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, स्टेराइल प्रोजेनी आपकी बन जाएगी अगर आपने इस रूल को डिसोबे करने की कोशिश की। सो दिस वाज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके बाद आपके अर्नेस्ट मेयर साहब को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला, मतलब कि 3 प्राइज हैं बायोलॉजी में, जिसके पास तीनों होते हैं उसको आप एक कॉम्बिनेटिव वे में क्या कहते हैं, ट्रिपल क्राउन बोलते हैं। तो इन्हें जो है BIC प्राइज मिले थे, यानी आपका बाल्जन प्राइज, आपका इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड योर क्रैफोर्ड प्राइज। सो ये तीनों प्राइज जिसको मिलते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी आपके अर्नेस्ट मेयर साहब को मिले थे। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में। डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में शुमार, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी ने मिला और बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने दिया। तो ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। अब आता है आपका मेन चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स। ये हमें पता है कि लिविंग वर्ल्ड आपका बहुत वास्ट एंड डाइवर्स है। यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर आप टोटल ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का नंबर अगर जस्टिफाई करना चाहें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आपकी आज तक आइडेंटिफाई करी जा चुकी हैं। यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज जो है इनको आपने आज तक आइडेंटिफाई कर लिया है और काफी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो आज भी आइडेंटिफाई करनी रहती हैं। इसका मतलब आपका जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, आपकी सोच से बहुत 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 ज्यादा डाइवर्स है। हजारों स्पीसीज तो आपकी एंट्स की हैं, आपकी वास्प की, मोथ की, बीटल्स की 20-20 हजार से भी ज्यादा स्पीसीज होती है। सो दे आर वेरी वेरी डाइवर्स, राइट। एक्सट्रीमोफिल क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफिल मतलब लिविंग वर्ल्ड इतना डाइवर्स है कि जिस जगह पर आप लोग जाने की कभी सोच भी नहीं सकते वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स बैठकर भंगड़ा कर रहे होते हैं। एक्सट्रीमोफिल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में रहते हैं, राइट। जैसे एक ऐसा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जहां पर आपका बहुत ही ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इन्हें आप क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं। फाइल का मतलब रहता है फिलिक, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, यानी फाइल का मतलब रहेगा, कहां पर रहेगा? हेलो वाली जगह पर, यानी जहां पर ज्यादा आपकी सॉल्टी कंडीशन देखने को मिलेगी। सो हेलोफाइल ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपके थर्मोफिल होते हैं, ओके। थर्मोफिल कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर देखने को मिलते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, एक बर्निंग ग्रीजर के अंदर, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि एक गीजर के अंदर कोई सर्वाइव कर सकता है, वहां पर बैक्टीरिया आराम से नाच गा रहा होता है, ओके। एसिडोफिल, हाईली एसिडिक कंसंट्रेटेड कंडीशन में जहां पर नॉर्मल लोग जाने की सोच भी नहीं सकते, हाथ पैर जल के राख हो जाएंगे, वहां पर भी आपके कुछ बैक्टीरिया थ्राइव कर रहे होते हैं। यानी कि लिविंग वर्ल्ड इसीलिए डाइवर्स है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आपके मॉल्टेन लावा तक में भी रह सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू थ्राइव द मोस्ट डिजास्टरस कंडीशंस ऑन दिस अर्थ। सो देयर इज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी एंड इवन सीन इन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। यानी यहां पर यह बोला गया है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन आपका देखने को मिलता है एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के अंदर। समझ लीजिए जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये, इसमें आपके सिर्फ ह्यूमंस ही हैं। एक पॉपुलेशन मतलब सेम तरीके के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। सो ह्यूमन पॉपुलेशन की जब आप बात करें, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप पड़ोसी के घर चले जाते हैं चीनी मांगने, दूध मांगने, कभी वो आपके घर आ जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पर हमारे बीच में कॉपरेशन है जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप हमारे बीच में स्थापित करता है। एंड इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी की बात करेंगे, समझ लो आपका एक ट्री है या फिर आपकी कुछ ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस को कौन खा लेगा? अब इन ग्रासेस को डियर खा लेगी, राइट। इस डियर को कौन खा लेगा? इस डियर को फर्दर कोई जो है आपका कार्निवोर खा लेगा और उसके बाद उस पर्टिकुलर कार्निवोर को कौन खा लेगा? आपका टाइगर, लायन वगैरह खा लेंगे। यानी कि ये क्या करते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे के लिए भोजन का काम करता है, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे के लिए भोजन का काम करेगा। अब आप लोग सोचेंगे टाइगर को तो कोई नहीं खाता होगा, तो टाइगर को आपका कौन खाता है? बैक्टीरिया एंड फंगस। ये आपके इसे क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। तो जब टाइगर की डेथ हो जाती है तो उस डेड मैटर पे क्या होते हैं, आपके काफी सारे बैक्टीरिया आकर जो है अटैक करने लग जाते हैं और उस पूरे टाइगर को जो है मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो आपके मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसको प्लांट दोबारा से क्या कर सकता है? रीयूज कर सकता है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है, आपकी कोऑपरेशन भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया चलती है। और सिमिलरली आपका कोऑपरेशन देखने को मिलता है इन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। अगर आप एक सेल की बात करें तो सेल के ऊपर क्या बना रहता है, सेल को कवर कौन करता है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। सो ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, ओके। इसके अंदर क्या रहता है? आपकी प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स रहती है। तो मैट्रिक्स किस चीज की बनी है? आपकी प्रोटीन की बनी है, राइट। इसके अंदर आपका न्यूक्लियस रहता है। समझ लो प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं भी है तो भी आपका जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट रहेगा। जेनेटिक मटीरियल कौन है? आपका डीएनए है। और इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा सेल को? आपके शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी ये जब कार्बोहाइड्रेट हैं, जो डीएनए है, जो प्रोटीन है, जो आपका लिपिड है, जब ये आपके प्रॉपर कॉम्पोजिशन में एग्रीगेट होते हैं तब जाके आपका एक सेल तैयार होता है। यानी सेल आपका किसी रैंडम इवेंट की वजह से नहीं बना, सेल आपका बहुत ही सोच समझ कर, आपका रेगुलेटेड इवेंट्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से बना है। राइट. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन आपका हर लेवल पे देखने को मिलता है, चाहे वो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में हो, चाहे वो एक कम्युनिटी के अंदर की पॉपुलेशन के बीच में हो, चाहे वो आपका एक सेल के अंदर के मॉलिक्यूलर ट्रैफिक या फिर उसके बायोमॉलिक्यूल्स के बीच में हो. सो हम लोग यहाँ पर जंग करने वाले हैं कि आखिर लिविंग कौन होता है और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं. तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टर या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो होता है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो. जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कैरेक्टर की बात करेंगे उसे आप कैरेक्टरिस्टिक कब बोलेंगे, जब उसका कोई एक्सेप्शन ना हो. तो जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, यानी सब में प्रेजेंट हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा. लेकिन बुक में किसी में यह बात नहीं दी हुई कि वो आपका 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो लेकिन एक भी नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट ना हो, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप डिफाइनिंग कैरेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में लिविंग के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से होते हैं जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट कर सकते हैं, आपका इन्हें जो है आपका बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो अब जो है आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है आपके टॉपिक का. What is living? Living क्या है और living और non living में फर्क क्या है, ये आपको जानना है. So characters जो होते हैं living में, उनमें से अगर आपको कोई बोले कि living क्या होता है तो आप कुछ characters जो है बता पाएंगे, जैसे कि growth. आप लोग ये बोलेंगे कि अगर एक लकड़ी का बेंच है वो शायद ना बढ़े, लेकिन हम लोग बचपन से जो है बढ़ते हुए आ रहे हैं और हम इतने बड़े हो गए. आप एक प्लांट को सीड की फॉर्म में उगाते हो और वो बहुत बड़ा हो जाता है. सिमिलरली आप लोग सोचो कि रिप्रोडक्शन, कि हाँ भाई हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, बैक्टीरिया आपका डिवाइड कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग चीजें डिवाइड नहीं कर सकती. फिर आप सोचोगे कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस मतलब अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होना. तो कॉन्शियसनेस के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. पहला आपका स्टिमुलेट हो जाना, यानी किसी पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करना, यह आपका पहला पार्ट रहता है. दूसरा क्या करना, उस स्टिमुलस को रिसीव करके इनैक्ट करना, यानी उसके ऊपर जो है खुद का रिस्पॉन्स भी देना. तो सिग्नल को रिसीव करना और उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स जनरेट करना या फिर उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करना, इस टोटल प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हो, ये आपका कॉन्शियसनेस में आता है. यानी आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो पहले क्या करोगे, आप उस चेंज को क्या करोगे, पहचान लोगे, परख लोगे और फिर आप उस चेंज के हिसाब से जो है काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे. इसे आप क्या बोलते हो, कॉन्शियसनेस. तो ये जो आपके सेंस करने का काम रहता है, जो रिसीव करने का काम रहता है, ये आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू होता है इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, राइट. और अगर कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेंसरी सेल्स या सेंसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को आप लोगों तक पहुंचाते हैं. देन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज का टूटना हो, चाहे वो ग्लूकोज का बनना हो, चाहे वो ग्लाइकोजन का बनना हो, चाहे वो इंसुलिन का बनना हो, ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है आपके सिर्फ लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते. फिर आप बोलोगे सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब आपका जो डीएनए है ये खुद की कॉपी बना सकता है. इफ दिस इज द डीएनए देन दैट डीएनए कुड बी रेप्लिकेटेड, और ये खुद की कॉपीज यानी रेप्लिका जनरेट कर सकता है, इसे आप रेप्लिकेशन बोलते हो. तो ये भी सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है, राइट. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी आपके अंदर जो सेल्स हैं वो रैंडमली नहीं प्रेजेंट होते. आपकी बॉडी में लिवर जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न शो करता है जो हर ह्यूमन बीइंग में सेम रहेगा. आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की किडनी देखेंगे वो आपकी एक जैसी होगी, उसके अंदर नेफ्रॉन्स जो है आपके सेम वे में अरेंज रहेंगे. सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. अगर आप एक छोटे से बैक्टीरिया को भी देखें तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या रहेगा, सबसे बाहर आपकी सेल मेम्ब्रेन रहेगी, फिर इसके बाहर आपकी सेल वॉल रहेगी पेप्टिडोग्लाइकन की, इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल रहेगा, आपके राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, आपकी कुछ स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, राइट, आपके मीजोसोम वगैरह प्रेजेंट रहेंगे. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम सेल की डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है. इंटरेक्शन, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं या तो अपने सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ या किसी और स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ, ये इंटरेक्शन में बिलीव करते हैं जिससे कि चीज़ों का आदान प्रदान होता रहे और इनकी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी जो है वो आती रहे. एंड इमर्जेंस, यानी ये इमर्ज भी होते रहते हैं टाइम के साथ, ही अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं. जैसे इंसान पहले देखो लैपटॉप नहीं चला पाता था, आज मैं आपको लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ. इंसान पहले झुककर चलता था, अब आपकी बाई पैडल लोकोमोशन शो करता है, अब आपका दो पैरों पे खड़ा होकर चल लेता है. पहले आपका कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था, राइट, स्टार्टिंग में शिकार में वो इतना पक्का नहीं था, अब आप दुनिया के सबसे स्मार्ट प्राणियों में से एक हो, तो ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग. तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में, जहन में आती हैं जब हम बात करते हैं अबाउट द लिविंग. लेकिन इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये हमें पता करना है और कौन कौन से आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं ये पता करना है. तो अब जंग स्टार्ट होती है, तो 3, 2, 1 नॉकआउट करना है अब हमें एक एक कैरेक्टर को पकड़ के. तो पहला कैरेक्टर जिसके बारे में हम बात करें वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर आप बात करें एक पर्टिकुलर सेल की, तो सेल का डिवाइड होना भी एक तरीके से ग्रोथ है। ओके, सो जो एक सेल है ये आपका कन्वर्ट होकर दो सेल बना लेता है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। सो आपका बैक्टीरिया से लेकर आपका बड़े से बड़ा मैमल, अगर आप देखो ब्लू व्हेल तक, सारे अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके ग्रो करेंगे, दैट इज ट्रू। अब हमें यह देखना है कि क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, अगर वो भी ग्रो कर रहा हुआ तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। सो ग्रोथ के आपके ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी दोनों में से अगर एक भी फॉलो हुआ तो आप उसे ग्रोथ बोल पाएंगे। सो ट्विन कैरेक्टर क्या है? पहला इंक्रीज इन मास, जब आप ऑब्वियसली ग्रो करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक आपका मास बढ़ा है। एक पेड़ जब आपका सीड से पूरा सीडलिंग बनता है, आपका प्लांटलेट बनता है, फिर प्लांट बनता है, तो उस हिसाब से उसका मास बढ़ता रहता है। सो ये आपका एक फैक्ट है। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स जो है आपके बढ़ते रहते हैं। सो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया में क्या हुआ, एक बैक्टीरिया से आपके दो डॉटर बैक्टीरिया बने, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपका बढ़ गया। सो ये भी आपका एक तरीके से ग्रोथ है, राइट। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर प्लांट्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इनमें ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से। यानी अगर आप मेरी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में क्या हुआ था, अगर आपके गैमेट जब फ्यूज हुए थे, जब आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे, तो आपकी बॉडी इनिशियली क्या थी, आपका सिंगल सेल्ड जाइगोट थी। फिर आपके जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है, इसने हजारों लाखों सेल बना लिए, डिवाइड होकर डिवाइड होकर। तो ये जो सेल डिवीजन है, इसने क्या किया, आपके काफी सारे सेल तैयार कर दिए और उन सेल्स ने एग्रीगेट होकर आपका टिश्यू और ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर दिया वाया द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है किसी ऑर्गन का बनना। तो आपके जो सेल्स हैं उनको सिग्नल मिल जाते हैं कि हाँ भाई, तुम जाके लीवर बन जाओ, तुम जाके किडनी बन जाओ, तुम जाके स्प्लीन बन जाओ, तुम जाके ब्रेन बन जाओ। तो अपने जो ऑर्गन्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ के लिए। यूनिसेलुलर में क्यों नहीं बोला? देखो, यूनिसेलुलर में तो एक सेल है, ये आपका डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रही है ना। इसमें तो जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक सेल से दो सेल बनना, इसे आप रिप्रोडक्शन भी बोल देंगे। एक सेल से दो सेल बनना, इसे आप सेल डिवीजन भी बोल देंगे। और एक सेल से दो सेल बनना, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, तो इसे आप क्या बोल देंगे, ग्रोथ भी बोल देंगे। तो इसमें तो तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम है मेरे दोस्त। यूनिसेलुलर में ये तीनों चीजें जो है आपकी एग्जैक्टली सेम होती हैं। आप तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इन्हें आप लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव इवेंट्स मतलब एक चीज करने जाओगे दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी समझ लो आप कह रहे हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस हुआ तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बने, ऑटोमेटिकली आप उसे सेल डिवीजन भी बोल दोगे। एक से दो सेल बने, ऑटोमेटिकली आप उसे ग्रोथ भी बोल दोगे। तो ये इंक्लूसिव है, एक करने जाओ दूसरा ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। लेकिन ह्यूमंस में या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये आपके एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यानी कि अभी समझ लो कहीं रोड पे गया और मैं फिसल के गिर गया और मेरी कोहनी जो है छिल गई। अब कोहनी को हील करने के लिए काफी सारे सेल डिवाइड होंगे उस पर्टिकुलर एरिना पे, यानी मेरी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम पर सेल डिवीजन हो रहा है मेरी कोहनी को ठीक करने के लिए, यानी रिपेयर मैकेनिज्म चल रहे हैं। लेकिन सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पर मैं रिप्रोड्यूस भी कर रहा हूं। दैट इज ऑब्वियसली नॉनसेंस थिंग। हम बोल ही नहीं सकते ऐसा कि हाँ हमारी बॉडी में जब भी सेल डिवीजन हो रही है हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी बॉडी में हीलिंग भी होती है, डीएनए रिपेयर भी होता है, काफी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके लिए आपको सेल डिवीजन करना पड़ता है। ओके, और नॉर्मली भी आपके सोमेटिक सेल डिवाइड करते रहते हैं जब उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं आप हर बार रिप्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर के केस में इन्हें इंक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है, राइट। चलिए, सो आपके प्लांट्स जो होते हैं इनमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन देखने को मिलती है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ जो है कभी रुकती नहीं है, तो ये आपके कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करते हैं। जबकि आपके एनिमल्स जो होते हैं इनमें कंटिन्यूअस नहीं रहती, अप टू अ पर्टिकुलर एज आपकी ग्रोथ होती है। जैसे आप बोलते हैं 19-20 के बाद ग्रोथ जो है होनी रुक जाती है, लेकिन आपका सेल डिवीजन हो सकता है। तो सेल डिवीजन कब होगा, जब आपकी बॉडी में कोई ट्रॉमा वगैरह है या कोई इंजरी वगैरह है या फिर कोई पर्टिकुलर आपको रिपेयर वगैरह करना है, तो उस केस में आपके सेल्स को पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा कि नाउ यू कैन डिवाइड। तो कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको आप ट्रिगर कर सकते हो डिवाइड करने के लिए। कुछ आपकी लाइनिंग्स होती हैं जो बार बार रिपेयर करती हैं। जैसे कि आपका स्टमक में आपको पता है HCl प्रेजेंट होता है। वो HCl क्या करता है, आपका स्टमक लाइनिंग को क्या करता है, थोड़ा जो है काटता रहता है। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, आपका हर 2 हफ्ते में, हर 1 हफ्ते में क्या किया जाता है, आपकी स्टमक की जो एपिथेलियल लाइनिंग थी उसको दोबारा तैयार कर लिया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन उन सेल्स को आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, उन सेल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, एक सिग्नल भेजना पड़ेगा कि हाँ भाई अब डिवाइड करने का टाइम आ गया है। ओके, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन आपके इंक्लूसिव होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमने देख लिया। जैसे कि बैक्टीरिया, तो इसमें ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं साथ साथ, लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था, समझ लो कोहनी पे चोट लग गई, ट्रॉमा के केस में सेल डिवीजन होगा, रिपेयर होगी, हीलिंग होगी, लेकिन आपका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट कैन बी सीन इन विट्रो कल्चर, यानी अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चर प्लेट ले जाएं लैबोरेटरी में, आपने इसके ऊपर एक बैक्टीरिया रखा, ऐसे हल्का सा स्ट्रिक कर दिया आपने, तो एक बैक्टीरिया आपका यहाँ पर है, आपने खाने पीने का अच्छा खासा सामान दिया, आप 8-9 घंटे बाद आएंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर जो है आपकी काफी सारी कॉलोनीज आपकी बन गई। सो आपको क्या देखने को मिलेगा अगले दिन, आपको ये देखने को मिलेगा कि यार एक बैक्टीरिया से आपके मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन गए, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन गए हैं। आपने बॉडी के बाहर ये क्या करके देखा, इनविट्रो मतलब बॉडी के बाहर आपने रिएक्शन करवा के देख लिया, आपने इन्हें ग्रो करवा के देख लिया। तो इनविट्रो कल्चर में आपने कल्चर प्लेट के अंदर मीडिया रखा, यानी खाने पीने का सामान रखा, देखो इसे आप कल्चर प्लेट बोलते हो, इस कल्चर प्लेट के अंदर जो खाने पीने का तामझाम है इसे आप कल्चर मीडिया बोलते हो, और इस कल्चर मीडिया के आप ऊपर आप बैक्टीरिया को पोर कर देते हो थोड़ा सा, फिर वो बैक्टीरिया जो है रात भर में 6-8 घंटे में आपकी कॉलोनीज बना लेता है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बना लेता है। तो आप को कॉलोनी दिखने लग गई, मतलब बैक्टीरिया ने डिवाइड किया है ना, राइट, मतलब उन बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, यानी उसमें ग्रोथ हुई है। तो आप डायरेक्टली एक कल्चर प्लेट को देखकर भी बता सकते हो कि हाँ भाई बैक्टीरिया में ग्रोथ होती है। देन आपका एक्रीशन काफी जगह देखने को मिलता है, जिसका मतलब है आपका इंक्रीज इन मास, यानी कि अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से इंक्रीज इन मास। जब आप बात करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें इंटरनल ग्रोथ होती है, और इस इंटरनल ग्रोथ को आप लोग क्या बोलते हो, इंटरनल ग्रोथ को आप लोग बोलते हो इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन, यह आपका सिर्फ लिविंग में होती है। लेकिन एक्सटर्नल जो है ग्रोथ वो आपकी नॉन लिविंग में भी हो सकती है, लेकिन आपका मास तो उसमें भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन मास आपका नॉन लिविंग में हो रहा है, यानी आपका ग्रोथ नॉन लिविंग में हो रही है, यानी ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, 100% लिविंग में होनी चाहिए, जो कि बात आपकी करेक्ट है, लेकिन 0% नॉन लिविंग में होनी चाहिए। ये तो हो रही है नॉन लिविंग में। जैसे आपका सैंड ड्यून है, सैंड ड्यून के ऊपर आपकी और सैंड आकर जमा हो गई तो उसका मास बढ़ गया। आपकी गाड़ी है, आप खड़ा करके गए 5-6 महीने के लिए गाँव वाँव या फिर किसी और शहर में, आपने आकर देखा तो उस पर कौवे की बीटे पड़ी हुई थी, ओके उस पर मिट्टी विट्टी जमी हुई थी, तो ओवरऑल क्या हुआ, उसके ऊपर भी तो आपकी किसी ना किसी चीज की एक्यूमुलेशन हो गई ना। सो आपने क्या देखा, वहां पर एक्रीशन हो रही है। सो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल ग्रोथ बोल सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ तो ये है। तो इसीलिए आपका ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि आपका नॉन लिविंग में भी हो सकता है, जबकि आपकी इंट्रिंसिक और इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब आप खुद को सर पे हथौड़ा मार मार कर छोटा नहीं कर सकते। दिस इज इरिवर्सिबल ग्रोथ जो आपकी बॉडी में होती है, और इंट्रिंसिक होती है यानी इंटरनल ग्रोथ होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इनटू ससेप्शन बोलते हो। तो ये वर्ड आप एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो, राइट। चलिए दूसरा कैरेक्टर आता है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आपका दूसरा कैरेक्टर आता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखें तो ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी, यानी ये बच्चे पैदा करते हैं जो खुद जैसे होते हैं, मोर और लेस सिमिलर, यानी मोर सिमिलर का मतलब है ये सेम स्पीसीज के होंगे। मैंने आपको बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बता दिया है। आपके जो पेरेंट हैं हमेशा सेम स्पीसीज के बच्चे पैदा करेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स ह्यूमन थे तो मैं भी ह्यूमन हूं, अगर कोई डॉग है तो वो अपने जिस बच्चे को जन्म देगी वो भी डॉग ही होगा। सो ऑटोमेटिकली वी आर मोर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज, तो हमारी स्पीसीज कॉमन होती है। एंड वी आर लेस सिमिलर बिकॉज हमारे अंदर वेरिएशंस भी आती हैं। अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो इसमें इनवेरिएबिलिटी आती है, जिसमें आपकी क्या है, कुछ एडिशनल कैरेक्टर आपकी बॉडी के अंदर मिलेंगे, उनका एक्सप्रेशन अलग होगा। तो इसीलिए आप हैं ह्यूमन, आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाएगा, यानी आपकी मम्मी और आपके पापा से 100% आप सिमिलर नहीं होंगे, आप उन दोनों से थोड़ा सा अलग दिखते होंगे। सो दैट इज वेरिएशन। इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी में मोर और लेस सिमिलर वर्ड यूज किया हुआ है। तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक कॉमा तक भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग, ओके। सो इस तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर हो सकते हैं, ओके। सो रिप्रोडक्शन आपकी दो टाइप की हो सकती है, सेक्सुअल, सेक्सुअल में आपका क्या होता है, इनवेरिएबिलिटी आती है। इनवेरिएबिलिटी मतलब आपकी वेरिएशन यहां पर आती है, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन। सो मेल से एक गैमीट आया है जिसे आप स्पर्म बोलते हो, और फीमेल से एक गैमीट आया है जिसे आप ओवा बोलते हो। अब ये आपके मेल और फीमेल अलग अलग थे, ओके, इनका डिसेंट जो है अलग अलग एंसेस्टर से हुआ है, अलग अलग ग्रुप से हुआ है। तो इनके जो कैरेक्टर है जब मिक्स होंगे तो कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो इसीलिए इनमें वेरिएशन आती है। लेकिन असेक्सुअल टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल टाइप में आपके जो गैमेटिक फ्यूजन होती है वो नहीं होती, ओके। गैमेटिक फ्यूजन आपके यहां पर नहीं देखी, गैमीट फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये बुक में लिखा हुआ है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्या सर असेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है? हाँ भाई, गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। समझ लो आपका रोज का प्लांट है, रोज के प्लांट में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जाहिर सी बात है अगर वो फ्लावर है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें सेक्सुअल पार्ट्स भी हैं, यानी उसमें गैमेट भी बन रहे होंगे। लेकिन समझ लो आपने रोज की एक डाली काट कर मिट्टी में लगा दी तो रिप्रोड्यूस तो वो तब भी करेगा, वो आपका डाली से भी असेक्सुअली ग्रो कर जाएगा। तो आपके गैमेट बने हुए थे लेकिन आपने जानबूझकर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा ली, क्योंकि उसमें आपका गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ। तो असेक्सुअल टाइप में आपका गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता, कोई नई जो है आपको कैरेक्टर यहाँ पर नहीं देखने को मिलते। तो अलग अलग टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे फंगस। सो फंगस में आपके मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स जो है इनके थ्रू आपकी रिप्रोडक्शन हो सकती है। ईस्ट और हाइड्रा में आपकी बडिंग देखने को मिलती है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आपके छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं? आपके डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे एयर करंट आता है आपके स्पोर डिस्पर्स होंगे और ये जहां पर गिरेंगे वहां से आपका ऑर्गेनिज्म निकल आएगा, वहां से आपकी ओरिजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। जैसे ये आपका ईस्ट है, बडिंग का मतलब एक अनइक्वल पार्ट यहां से निकलेगा जिसे आप बड बोलते हो। ये बड जो है आपका फिर बॉडी से डिटैच हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से, और अपना जो है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल करने लग जाएगा। सो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक प्रोजेनी मिल जाएगी, इसे आप बडिंग बोलते हो, जो कि ईस्ट और हाइड्रा में कॉमनली देखने को मिलती है। प्लैनेरिया में आपका ट्रू रीजनरेशन होता है। ओके, प्लैनेरिया एक प्लेटी हेलमिंथ है, यानी एक फ्लैट फॉर्म है, इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है, यानी प्लैनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है मेरे दोस्तों। अगर आप इस प्लैनेरिया को काट दोगे 2-3 टुकड़ों में, तो हर जो टुकड़ा है वो अपनी बॉडी को गिव राइज करने के लिए सक्षम होता है। सो आप जितने टुकड़ों में प्लैनेरिया को काटोगे ये रीजनरेट हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है इसमें ट्रू रीजनरेशन जो है देखने को मिलेगी। देन फंजाई और फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में क्या होता है? तो आपका मॉसेस जो होता है दैट इज अ ब्रायोफाइट, इसका प्रोटोनेमा स्टेज होती है, इसमें आपकी क्या होती है? आपकी फ्रेगमेंटेशन होती है। तो आपको यहीं से पता हो जाना चाहिए फिलामेंटस एल्गी, यानी एक एल्गी जिसमें आपके अलग अलग फिलामेंट है, तो ये क्या करेंगे? आपकी फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे और हर फ्रेगमेंट जो है आपका नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे आप फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये फंगस, F फॉर फंगस, F फॉर फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में आपका फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, काफी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में, राइट? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में मैंने आपको बताया था अगर दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स मेट कर लेते हैं तो इनका जो बच्चा बनेगा वो स्टेराइल बनेगा। मैंने आपको जैक एंड मेयर रिलेशनशिप बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था म्यूल इज गोइंग टू बी स्टेराइल। सो ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया, यानी 100% लिविंग जो है आपके रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो इस केस में क्या हुआ? आपको ये डिफाइनिंग फीचर के तौर पे देखने को नहीं मिलेगा। देन वर्कर बीज, बीज आपकी काफी टाइप की होती हैं, जैसे क्वीन बी जिसे आप रानी मक्खी कहती हैं, फिर ड्रोन होते हैं, फिर वर्कर बी। तो जो वर्कर बीज होती हैं ये आपकी रिप्रोड्यूस नहीं करती, आपकी रानी मक्खी रिप्रोड्यूस करती है, तो इनके साथ भी जो है आपका भेदभाव होता है, तो ये भी आपकी स्टेराइल हो गई। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, आपने विकी डोनर फिल्म देखी होगी कि क्या काफी ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि आपके कंसीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है आपके इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बनाए जाते हैं, जिससे उनको आर्टिफिशियल या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जो है उनको बच्चा दिया जा सके। सो यहाँ पर क्या हुआ? ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपके लिविंग है पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। माना कि ये 0% नॉन लिविंग में होता है, ये वाला 100% सेटिस्फाई हो रहा है आपका क्राइटेरिया, लेकिन 100 के 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखने को नहीं मिलता, राइट? क्योंकि कुछ आपके एक्सेप्शन यहां पर मिल गए। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। देन आपका कैरेक्टर आया मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी जो है केमिकल्स की बनती है, काफी सारे केमिकल्स की बनती है, छोटे बड़े मीडियम हर तरीके के मोनोमर पॉलीमर हर तरीके के केमिकल आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये केमिकल जो है बैठते नहीं है, ये केमिकल क्या करते हैं? एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। जैसे कि समझ लो आपने ग्लूकोज पिया तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज चला गया, अब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यह आपका आपका और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फिर ये आपका टूट सकता है काफी और मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, राइट? तो इन सब में ये टूट सकता है। उसके बाद ये एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस क्या बना लेगा? पाइरुवेट बना लेगा। फिर ये पाइरुवेट आपका और आगे चल के क्या बना लेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका फर्मेंटेशन भी शो कर सकती है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकती है, आपका फैट सिंथेसिस भी कर सकती है। ये आपको अभी याद नहीं करना है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। कहने का ये मतलब है आपकी बॉडी में जो आपने ग्लूकोज के तौर पर खाया अब वो ग्लूकोज नहीं है, हो सकता है स्टोर होकर ग्लाइकोजन बन जाए, जो कि एनिमल के अंदर एक स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, हो सकता है आपका टूट टूट कर आपको एनर्जी दे दे। सो ये इकट्ठा एक जगह पर बैठेगा नहीं दोस्त, समझ रहे हो? तो केमिकल एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड अप ऑफ केमिकल। आप छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करो, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की, सारे के सारे आपके केमिकल्स के बने हुए होते हैं और ये केमिकल आपके ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं इनटू वन अनदर बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे कि आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना तो इसमें एंजाइम लग गया आपका हेक्सोकाइनेज। सो यहां पर एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन बोलते हो। और इन रिएक्शंस की जो पूरी की पूरी पाथवे है, इन रिएक्शंस का जो पूरा का पूरा कास्केड है, इसे आप क्या बोलते हो, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हो। इसे आप मेटाबॉलिक पाथवे बोलोगे। सो मेटाबॉलिक पाथवे से एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट, एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, 100% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, प्लस 0% नॉन लिविंग में मिलेगा। किसी भी नॉन लिविंग में आपके केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। सो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये आपका क्या है, एक वेल डिफाइनिंग फीचर है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हमें हमारा पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल गया। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड योर बॉडी और इनसाइड द सेल। यानी एक बैक्टीरिया भी है तो उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक ही टाइम पे हजारों रिएक्शंस चल रही होती हैं। उन हजारों रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, मेटाबॉलिज्म बोलोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलोगे। अब ये जो मेटाबॉलिज्म रहता है इसमें दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला काटपीट मचाने वाला, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल था इसको आपके तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना दिया आपने। दूसरा होता है सिंथेटिक रिएक्शन, यानी काफी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे जिसको जोड़ के आपने बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये जो आपका काटने वाला रिएक्शन होता है इसे आप क्या बोलते हो, काटना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। और बनाना, सिंथेसाइज करना, दैट इज योर एनाबॉलिज्म। तो यहां पर चीजें बन जाती हैं, राइट? तो यहां पर आपकी चीजें बन जाती हैं, तो ये आपका एनाबॉलिज्म हुआ। सो मेटाबॉलिज्म में दो तरीके के रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इन सब रिएक्शंस को मिला के आपका मेटाबॉलिज्म आप बोलते हो, राइट? सो इट इज द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो, यानी आप अपनी बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन करवा के देख सकते हो। अगर समझ लो आपने ग्लूकोज डाला, आपने हेक्सोकाइनेज डाला, तो आपको जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन आप इसे टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हो। तो इसे आप क्या बोलोगे, आप इसे इन विट्रो रिएक्शन बोलोगे। सो ये जो इन विट्रो रिएक्शन होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं होता। इट्स नीदर लिविंग और नॉन लिविंग। इसका लिविंग नॉन लिविंग से कोई खास लेना देना नहीं है क्योंकि आप इसे बॉडी के बाहर करा रहे हो। सो इट इज गोइंग टू बी अ लिविंग रिएक्शन। ये एक लिविंग रिएक्शन है जरूर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर होता है। सेम 100% एक्यूरेट रिएक्शन आपका कॉपी हो जाएगा बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में। सो इट इज इंडीड अ लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग रिएक्शन तो है लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी हो जाएगा। आप टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हो रिएक्शन, तो रिएक्शन तो सेम है, तो उसे लिविंग रिएक्शन तो आप बोल दोगे। तो क्या टेस्ट ट्यूब को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने लग जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। तो आपका ये जो है लिविंग थिंग नहीं होती, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती, लेकिन रिएक्शन आपका लिविंग हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पर नोट करनी थी। तो ये जो जगमगाती टेस्ट ट्यूब है इसमें आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है इन विट्रो फॉर्म में, राइट? सो इट इज नॉट लिविंग और नॉन लिविंग। इसका लिविंग नॉन लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट ट्यूब आपको जाहिर सी पता है नॉन लिविंग है, लेकिन इसके अंदर रिएक्शन जो है आपका लिविंग है। तो सिर्फ रिएक्शन को आप लोग लिविंग बोल सकते हो, टेस्ट ट्यूब को आप लोग नॉन लिविंग ही बोलोगे। दैट इज अ श्योरिटी। सो यहां पर आपका एक लिंक प्रेजेंट होता है आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। सो कैटाबॉलिज्म यानी चीजों को टूटना और एनाबॉलिज्म मतलब चीजों का बनना। समझ लो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जब ये बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, यानी इनके बीच के जब बॉन्ड टूटेंगे तो आपकी एनर्जी यहां पर रिलीज होगी। एनर्जी जब रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी, यानी आपकी बॉडी में जो नोट चलता है एनर्जी के नाम पे वो एटीपी है। जैसे अगर आप दुकान में जाते हो तो आप 10 रुपए की अगर चाय पी रहे हो तो आप नोट दोगे, आप चेक नहीं दोगे, राइट? सो एटीपी इज योर नोट जो कि आपकी बॉडी में कहीं भी चल जाएगा, चाहे बड़ी मॉल हो, चाहे छोटी चाय की टपरी हो, हर जगह आपका एटीपी चल जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्यों? क्योंकि यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है जिसका नाम है एडेनिन। ओके, एडेनिन यहां पर लगा हुआ है। एडेनिन जब आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेता है शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ, तो इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन। एडिनोसिन जो कि आपका एक न्यूक्लियोसाइड है। और एडिनोसिन जब आपका 3 फॉस्फेट के साथ यहां पर बॉन्ड बना लेगा, फॉस्फेट नंबर 1, फॉस्फेट नंबर 2, फॉस्फेट नंबर 3, तो क्या हो गया? ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। ये हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोमॉलिक्यूल्स में। सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए एटीपी यहां पर बनाया है कि जब आपका कोई कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा तो एटीपी रिलीज होगी और इस एटीपी को यूज करके आप सिंथेटिक रिएक्शंस कर सकते हो। यानी इस एटीपी को यूज करके आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना सकते हो और इसे एनाबॉलिज्म करवा सकते हो। सो एटीपी क्या है? आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच का लिंक है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, क्योंकि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है, चाहे एक बैक्टीरिया हो, चाहे एक फंजाई हो, चाहे एक प्रोटिस्ट हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सब में होगा, और 0% नॉन लिविंग में है, तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न आपका ये कैरेक्टर होगा। देन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आएगा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी सेल का होना इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपका सेल है तो आपकी बॉडी में जान है, बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपका सेल नहीं है तो ना आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बन पाएगा, ना आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी। सो एटलीस्ट एक सेल तो होना ही चाहिए जिससे आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए। सो एक सेल भी हुआ तो भी आपकी लाइफ को जो है सस्टेन कर पाएगा। अगर एक सेल से छोटी भी कोई चीज है, अगर एक सेल से आपने एक भी ऑर्गेनेल निकाल ली है, एक भी पार्ट आपने एक सेल से कम कर दिया है, ओके, तो भी आपका जो है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं देखने को मिलेगा। यानी अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको कम से कम एक सेल तो चाहिए ही चाहिए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका सेकंड कैरेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना आपकी लाइफ नहीं है। देन आपका कॉन्शियसनेस जो कि पांचवा कैरेक्टर है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। आपके एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आपको पहले परसीव करना है, यानी उनको आपको सेंस करना है, उन चेंजेस को सेंस करके आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। ओके, सो इसीलिए इसे एनसीईआरटी में बोला गया है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर कोई भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उसके साथ में कॉन्शियसनेस दिया हुआ है, कॉन्शियसनेस सबका बाप है। ये आपका बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक सब में मिलेगा, मेटाबॉलिज्म में सब में मिल रहा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी सब में मिल रहा था, लेकिन ये बहुत खास फीचर है क्योंकि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज्यादा ऑब्वियस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो ये आपका जो है पास्टर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स भी अगर दिए हुए हैं तो इसको आपका सर्वप्रथम प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, सो कॉन्शियसनेस में आप क्या करते हैं, आप लोग सेंस करते हैं एनवायरमेंट के किसी भी चेंज को या किसी भी स्टिमुलस को, और उसके रिस्पेक्ट में आप रिस्पॉन्स भी जाहिर करते हैं। तो सेंस जो है आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन के थ्रू होती है, और लोअर ऑर्गेनिज्म में आपके सेंसरी सेल्स या सेंसरी टिश्यूज आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। सो स्टिमुलस जो है इसके खिलाफ आपको रिस्पांस देना है। तो स्टिमुलस कैसा हो सकता है, आपका फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, जैसे आपका छुई मुई का प्लांट है जिसे आप बोलते हो माइमोसा पुडिका। ओके, छुई मुई का आपका प्लांट है, मैंने छुई मुई के प्लांट को छू दिया, सारी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, दैट इज अ फिजिकल स्टिमुलस। उसे पता लग गया भाई किसी ने उंगली जो है लगा दी है मेरे ऊपर। केमिकल स्टिमुलस मतलब आपका कोई एसिड है, कोई पर्टिकुलर आपका सॉल्ट है जिसके बेसिस पर आपका सेल जो है अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा है, तो वो आपका केमिकल स्टिमुलस हो गया। ओके, जैसे कि समझ लो आप अचार में नमक क्यों डालते हो, अचार में आप लोग नमक या शुगर इसलिए ऐड करते हो क्योंकि आपके अचार की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन आपके अचार की बढ़ गई है तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस है भी तो ये अपनी बॉडी से पानी जो है बाहर की साइड फेंक देगा। अगर पानी बाहर की साइड फेंक देगा तो आपका बैक्टीरिया और फंगल सेल क्या हो जाएगा, लाइज हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया और फंगल सेल की आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी डेथ हो जाएगी। राइट, बैक्टीरिया और फंगल सेल की आपकी डेथ हो जाएगी। सो ये क्या है, कैसा रिस्पॉन्स है, केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स है। देन बायोलॉजिकल आप काफी सारे रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप नेपेंथिस में अगर देखेंगे या फिर किसी इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखेंगे तो इंसेक्ट के आते उन्हें पता लग जाता है कि भाई अब मुझे बंद होना है और मुझे इस इंसेक्ट को खाना है। तो दैट इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि आपके बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट दिया जाता है, जैसे कि शायद मैंने स्लाइड में ऐड किया था। राइट, सो यहां पर देखो आपका एक इंसेक्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये इंसेक्ट यहां पर आया, इसको आने का थोड़ा टाइम दिया गया जिससे इसे ट्रैप किया जा सके। अब ये जो गेट है बंद हो जाएंगे, देखना आप, अब ये गेट जो है बंद हो गया फटाक से। तो क्या हुआ, इंसेक्ट को इसने मारकर खा लिया। तो ये आपका प्लांट है जो कि इंसेक्टिवोरस होता है, तो ये क्या करता है, आपके इंसेक्ट को पहले आने देता है, थोड़ा सा इसे टाइम देता है और बाद में इसे मारकर खा जाता है। सो दैट इज अ बायोलॉजिकल स्टिमुलस। राइट, क्योंकि आपको एनिमल से स्टिमुलस मिल रहा है। ओके, सो प्लांट जो होते हैं ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर कर सकते हैं, जैसे लाइट। अब लाइट की जो ड्यूरेशन है वो प्लांट में फ्लावरिंग के इंपॉर्टेंट फेनोमेना को अंडरटेक करती है। तो किस तरीके से वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। टेम्परेचर जो होता है ये भी आपके प्लांट में रिस्पॉन्स जाहिर करता है। अगर आपका बहुत हायर टेम्परेचर है और प्लांट को अपने अंदर प्रेजेंट वाटर की रक्षा करनी है तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। अब आपका बहुत हाई टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर पर आपका वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लांट बॉडी से बाहर जाने लगता है फ्रॉम स्टोमेटल पोर्स। अगर एक प्लांट को अपनी जो है अंदर प्रेजेंट वाटर को कंजर्व करना है तो वो टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करेगी और वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देगी। सिमिलरली आपका वाटर कंटेंट के बेसिस पर भी जो है आपका सेम रिएक्शन हो सकता है कि अगर वाटर है ही कम तो आपके संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके वाटर को बहुत ज्यादा इवेपोरेट नहीं होने देते। और बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए भी प्लांट रिस्पॉन्स जाहिर करता है, पॉल्यूटेंट के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट स्लाइड में कि आपका जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट बंद हो जाता है अदर ऑर्गेनिज्म के आते ही। ओके, और पॉल्यूटेंट वगैरह के खिलाफ भी जो ये है रिस्पॉन्स जाहिर करता है। जैसे कि कुछ आपके ऐसे प्लांट है जो सिर्फ आपके नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ही उगते हैं, जैसे कि आपका लाइकन वगैरह, दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ योर एल्गी एंड फंगस, लेकिन वो आपके जो पॉल्यूटेड एरिया है उस पर नहीं उगेंगे। तो ये उनका रिस्पॉन्स है, ये उनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। ओके, सो इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। कॉन्शियसनेस क्योंकि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है, तो ये आपका 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। ओके, फोटो पीरियड यानी दिन की जो ड्यूरेशन है, लाइट की जो ड्यूरेशन है, जिस टाइम तक आपका सूरज रहता है, ये आपका रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है इन सीजनल ब्रीडर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें आपका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है इसको आपका फोटो पीरियड क्या करता है, एनहेंस या फिर डिक्लाइन कर देता है। जैसे आपके कुछ प्लांट हैं जो आपके सिर्फ सीजनल बेसिस पर ग्रो करते हैं, जैसे आपका रेडिश यानी मूली हो गया, यानी आपका सोयाबीन हो गया। और एनिमल्स जो हैं आपके सीजनल ब्रीडर वो हैं आपके हॉर्स, शीप और गोट, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जो है इनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट्स को कौन कंट्रोल करता है, आपकी डे की ड्यूरेशन, क्योंकि डे की ड्यूरेशन से ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम है इनके ब्रीड करने का। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल आ जाता है या आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, उसको किल करने के लिए आपकी बॉडी में काफी तामझाम है। सिमिलरली एक बैक्टीरिया भी अपने अंदर आने वाले सारे केमिकल को, सारी एंटीबायोटिक्स को डील करने की कोशिश करता है, एक फंगस भी, एक प्लांट भी। तो ऑटोमेटिकली हर ऑर्गेनिज्म खुद के अंदर आने वाले केमिकल से डील करता है और अपने एनवायरमेंट के प्रति अवेयर रहता है, यानी एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आ गया तो ये सेंस भी कर लेंगे और रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। यानी कॉन्शियसनेस आपका एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, तो यहां पर देखो मैंने आपको बताया था फोटो पीरियड जो है आपके सीजनल ब्रीडर्स यानी कि प्लांट वगैरह में भी आपका रिप्रोडक्टिव हैबिट्स को कंट्रोल करता है। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी लाइट ज्यादा थी, पीला मतलब आपकी लाइट ज्यादा है। शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल है यहां पर। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनमें आपका दिन अगर छोटा हो क्रिटिकल डे लेंथ से तो आपका फ्लावरिंग होगी, अगर ज्यादा टाइम दिन रहा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो यहां पर क्रिटिकल डे लेंथ जो है आपका हर फ्लावर के लिए अलग अलग हो सकती है, यहां पर कॉमन दिखाई गई है। सो ये जो बीच में सेंटर पे लाइन है ये आपका क्रिटिकल डे लेंथ है, समझ लो ये 8 घंटे के आसपास है। तो शॉर्ट डे अगर प्लांट है तो 8 घंटे से अगर कम दिन रहेगा तो ही ये फ्लावर करेंगे, अगर 9 घंटे आपकी लाइट आ गई तो ये फ्लावर नहीं करेंगे, राइट। सो यहां पर देखो आपकी जो लाइट है ये आपकी 8 घंटे से ज्यादा है, ये 8 घंटे से थोड़ी ज्यादा है और दिन और रात आपकी छोटी है, लेकिन ये शॉर्ट डे प्लांट है यानी ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, उल्टा बोलो तो जब नाइट ज्यादा लंबी होगी तब जाकर ये फ्लावर करेगा। तो इस केस में फ्लावर कर गया। ओके, और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए ये जो रात है, अगर इंटरप्ट हो जाएगी रात समझ लो बहुत बड़ी रात है आपकी, है तो रात ज्यादा घंटे की, 8 घंटे से ज्यादा घंटे की रात है, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, इंटरप्ट कर दिया। यहां पर आपने बीच में जो है आधे घंटे के लिए लाइट ऑन कर दी तो ये फ्लावर नहीं करेगा। इसे बिना इंटरप्शन के जो है अंधेरा चाहिए। ओके, अंधेरा कायम रहे वाले प्लांट है, इसलिए इन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। लॉन्ग डे प्लांट जो है क्या होता है, जब ये क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा ड्यूरेशन जब होगी लाइट की तो ये फ्लावर करेंगे। जैसे यहां पर आपकी क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा ड्यूरेशन है तो ये फ्लावर कर गए। अगर ज्यादा लंबी रात है, दिन छोटा है, तो सिंस ये लॉन्ग डे प्लांट है तो ये फ्लावर नहीं करेंगे। और आपके यहां पर अगर इंटरप्शन हो भी जाती है तो भी आपके फ्लावर कर देते हैं। यानी यहां पर आपका आधे से ज्यादा टाइम पे आपकी रात थी, दिन थोड़ा कम था, लेकिन बीच में आपका अगर इंटरप्टेड दिन आ गया, बीच में आपने अगर थोड़ा सा दिन और दे दिया तो भी ये फ्लावर करेंगे, राइट। सो ये पर्टिकुलर फेनोमेना आपका प्लांट फिजियोलॉजी का है, जो कि हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए आपको लिंक कराया, जैसे आपके बेसिक्स अच्छे हो वहां पर हम पढ़े तो हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, राइट। चलिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी हमने बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, सारे ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के तो अवेयर हैं, लेकिन सेल्फ के बारे में यानी खुद के बारे में कितने ऑर्गेनिज्म अवेयर हैं, बहुत कम। और इनकी गिनती आप उंगलियों पे कर सकते हैं। खुद के प्रति जो अवेयर हैं, ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, जिन्हें सेल्फ कॉन्शियस कहा जाता है, जैसे कि आपके ह्यूमन और आपका ऑक्टोपस। इनके अलावा बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ अवेयर होते हैं। यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों? क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि ये लेस देन 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, मोर देन 99% में एब्सेंट होगा। सो इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो डील कर लेना। अब जो कोमा में पेशेंट होते हैं उन्हें आप लिविंग भी नहीं बोल सकते, वो उठ नहीं रहे हैं। ओके, उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पर। और आप डेड भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी सांसें चल रही हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ब्रेन डेड कंडीशन। तो इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा जाता है, इन्हें ब्रेन डेड कंडीशन बोला जाता है, जिसमें वो आफ्टर टाइम वो जो है आपका नॉर्मल लाइफ में कम बैक भी कर सकता है या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। सो इस पर्टिकुलर कॉमा वाले स्टेट को ब्रेन डेड बोला गया है, जो आपके लाइफ और डेथ के जो है बीच का आपका स्टेट है, जिसमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, यानी दिमाग आपका ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तो इसे ब्रेन डेड बोल दिया। सो ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन, यानी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ल्ड में कोई भी फेनोमेना अगर देखें, कोई भी आप रिएक्शन देखें, वो अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से होती है। जैसे समझ लो आपका ये क्या था, आपके ये बायोमोलिक्यूल्स थे, बायोमोलिक्यूल्स में क्या थी, लाइफ की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये सारे लिविंग नहीं थे। लेकिन जब बायोमोलिक्यूल्स ने मिलकर आपका सेल बना लिया तो सेल अब आपका लिविंग हो गया। तो सेल में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं थे, ओके, बहुत अच्छे से काम करने के। लेकिन काफी सारे सेल्स ने मिलकर जब आपका टिश्यू बना लिया तो इसमें और इमर्जिंग प्रॉपर्टीज आई, इसमें और एडवांस फीचर आ गए। टिश्यू में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो इसमें नहीं थे, ओके। तो जब टिश्यू आपका ऑर्गन बन गया तो इसमें और एडवांस कैरेक्टर आ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टिश्यू। जब आपके काफी सारे ऑर्गन्स ने आपका इंटरेक्ट किया तो आपका ऑर्गन सिस्टम यहां पर बन गया, और उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपके और एडवांस कैरेक्टर आ गए जो आपके ऑर्गन में नहीं थे। यानी अगर आप हायर लेवल पर जाते जाओगे, जब आप हायर लेवल पे चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो आपके इंटरेक्शन की वजह से बेटर प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, बेटर इमर्जेंस आपको देखने को मिलती है। इमर्जेंस मतलब टाइम के साथ बेहतर होते चले जाना। सो इमर्जिंग एट्रीब्यूट यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी आपके जो बायोमोलिक्यूल्स थे ये लेस मॉडिफाइड थे, लेकिन जब इनमें इंटरेक्शन हुआ तो इन्होंने सेल बनाया जो बायोमोलिक्यूल से बहुत एडवांस था। अब सेल आपका उतना एडवांस नहीं है, लेकिन काफी सारे सेल जब मिलकर इंटरेक्ट करेंगे तो ये टिश्यू बना लेंगे जो बहुत एडवांस है। फिर आपके टिश्यू इतने एडवांस नहीं है, टिश्यू जब आपके इंटरेक्ट करेंगे तो ऑर्गन बना लेंगे विच इज वेरी एडवांस। अब ऑर्गन इतना एडवांस नहीं है जितना ऑर्गन सिस्टम एडवांस है, ऑर्गन सिस्टम इतना एडवांस नहीं है जितना आपका ऑर्गेनिज्म एडवांस है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे चलें, किसी भी लेवल पे चले जाएं, आप ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन पे चले जाओ, कम्युनिटी पे चले जाओ, इकोसिस्टम पे चले जाओ, बायोम पे चले जाओ, आप किसी भी हायर लेवल पे जाएंगे आपको बेटर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि नीचे वाले ग्रुप जब आपके इंटरेक्ट करने लगते हैं तो हायर लेवल पे आपको क्या मिलती है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी यानी बेटर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो ये आपके जो है सारे कैरेक्टर्स हो गए। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्विंग है, ये टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं क्योंकि इनमें अंडरलाइंग इंटरेक्शन हो रही है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनमें थोड़े बहुत जो है म्यूटेशन वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, ये खुद को रेगुलेट कर सकते हैं और खुद को जो है बहुत बेहतर तरीके से आपका एक अच्छे फॉर्म में रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी फॉर्म जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। अगर आप सारे ह्यूमन बीइंग्स का लीवर देखोगे तो आपको सेम तरीके की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। सो इनमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेबिलिटी होती है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, या आपके बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस का जवाब दे सकते हैं, यानी ये कॉन्शियस भी होते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि ये आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं और कॉन्शियस होते हैं। ये आपकी मेन डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए, तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर ओके, जो स्टोरी है लाइफ की कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ कैसे परपेचुएट हुई, इसे आप बायोलॉजी बोलते हैं, ओके। ये हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके थे। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर वाया कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए बट टू वेरिएबल एक्सटेंट, यानी कि हम सब के अंदर कोई ना कोई कॉमन फीचर होगा। अगर आप मुझे कंपेयर करें एक व्हेल से तो मैं और व्हेल भी कुछ हद तक लिंक्ड है। अगर आप मुझे कंपेयर करें एक मंकी से तो मैं और मंकी भी लिंक्ड है। अगर आप मुझे कंपेयर करें किसी प्लांट से, जो कि हम सेपरेट किंगडम में है लेकिन तब भी हम जो है लिंक्ड है कुछ हद तक, ओके। अगर आप मुझे कंपेयर करें एक बैक्टीरिया से तो भी हम लिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके पिताजी जो है एक थे, ये जो है हमारे एंसेस्टर थे। अब हमारे एंसेस्टर के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, आरएनए था, कुछ भी था समझ लो। ये जेनेटिक मटेरियल आपका डिवाइड होकर सारे मेन ऑर्गेनिजम्स में गया। समझ लो हमारे पूर्वज साहब के ये बच्चे हुए, बच्चा नंबर ए, ओके, ये बी, ये सी, समझ लो ये बच्चे हुए। तो इनमें भी ये डीएनए चला गया होगा, ओके, इनमें भी तो डीएनए पूर्वज साहब का गया होगा। तो इसमें समझ लो 30% डीएनए एंसेस्टर का सेम था, इसमें 50% सेम था, इसमें 70% सेम था। तो अब इनके जो बच्चे होंगे इसमें समझ लो 69% सेम है, इसमें 54% सेम है, इसमें 43%, इसमें 2%, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो गया होगा ना। ये जो एंसेस्टर है जिसने पूरी दुनिया की रचना की है, इसी का डीएनए कंटिन्यू होता चला आ रहा है। तो इसने अपने आप को मॉडिफाई किया टाइम के साथ, इसने अपने आप को चेंज किया, इसने अपने आप को बदला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे था तो बेस तो आपका सेम है ना, ओके। अब आपने हलवा बनाया, उसमें किसी ने किशमिश डाल दी, उसमें किसी ने काजू डाल दिया, उसमें किसी ने आपका क्या डाल दिया, केसर डाल दिया, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट तो आपका सेम था ना, उसी से तो आपकी बाइफर्केशन हुई है। तो ये आपको यहां पर देखने को मिल गया कि काफी बाइफर्केशन यहां पर हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब जो है, हम सब के अंदर एक जैसा जेनेटिक मटीरियल है, एटलीस्ट कुछ परसेंट। सो वेरिएबल एक्सटेंट तक हम जो है अपने एंसेस्टर से कॉमन है और एक दूसरे से भी मिलते जुलते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था कि वी आर लिंक्ड वाया द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी कॉमन कैरेक्टर्स जाते हैं और जो भाई बहन होते हैं उनमें भी कॉमन कैरेक्टर रहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज यहां पर देखने को मिलती हैं। सो गाइज दिस वॉज द लेक्चर 1 एंड आई होप यू रियली एंजॉयड इट, बिकॉज बहुत मजा आया मुझे पढ़ाने में आज और इंटरेस्टिंग था कंटेंट, काफी हैंड रिटन था, मजा आया देखकर, प्यारी प्यारी स्लाइड्स हैं और डिटेल कंटेंट है, तो आपका इससे बाहर नहीं आने वाला कोई भी क्वेश्चन। पढ़िए, आराम से मौज करिए, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपने दोस्तों को आप इस चैनल पर बुला सकते हैं जिससे कि वो भी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपने सिलेबस को पूरा कर सकें, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे और उसमें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं आपका बाइनोमियल क्लासिफिकेशन पूरे के पूरे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।